भूमि पूजन करते हैं, तो जो उत्साह और जो समर्पण जो खुशी अंतर मन से होना चाहिए वो आज आपके चेहरे पर होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पड़ोस के जिले मंदसौर से आप सबको ये सौगात देने वाले हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आप सबसे एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि मंच पे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागणों के लिए जोरदार ताली बजाया, कि जिनके अथक प्रयासों से आज नाथजा नगर में हमारे सारे इंजराइयों को ये लाभ मिलने वाला है। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी एक घंटे के अंदर आप सबको एक क्लिक से आप सबको छाया देने वाले, आपको अपना घर देने वाले, और कुछ लोगों को पहली किस्त मिलेगी, कुछ लोगों को दूसरी किस्त मिलेगी, और कुछ लोगों का मकान कंप्लीट होने वाला है तो उनको तीसरी किस्त मिलेगी, और आपका अपना सपनों का आपका अपना मकान पूरा होकर कुछ ही दिनों में आप सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित करने वाली है। केवल ये योजना योजना मात्र नहीं, ये योजना एक भावना है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले आपको ये सौगात देने का काम किया, और देने का काम इसलिए भी किया क्योंकि एक गरीब माँ का बेटा है टूटी छत में रहा था, घर की गरीबी उन्होंने देखी थी, एक परेशानी देखी थी, एक गरीब घर में जो मकान को लेकर चिंताएं बाधाएं परेशानियां होती है उन सारी चीजों की अनुभूति एक प्रधानमंत्री को हुई है, तभी उन्होंने अपने इस योजना को नाम दिया छाया, छत देने का काम हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों गरीबों को देने का काम किया, और वही सौगात में आज आप सबके बीच में कुछ लोगों को नया मकान मिल रहा है। मैं आप सबसे केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप केवल इतना काम जरूर करिए कि जब हम अपने नए मकान में भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गुरुद्वारे को, हम लोग जब ईश्वर से प्रार्थना करें तो कम से कम अगरबत्ती लगाते लगाते एक पुआ जरूर करना कि ऐसे प्रधानमंत्री को यशस्वी करना, ऐसे मुख्यमंत्री को यशस्वी करना जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्योंकि आपका आशीर्वाद मात्र ही उनको दीर्घायु भी देगा और लंबे समय तक शासन करने की ताकत भी देगा, और आप सबके स्नेह से आगे भी वो हम सबके बीच बने रहेंगे। साथ ही मैं आप सभी को गुजरात विजय होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार 27 सालों से वहां पर सरकार है, क्योंकि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लगातार 27 वर्षों तक करके दिखाया है कि उसी का परिणाम है कि आज फिर से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आई है। पुनः मैं नांदा नगर पालिका परिषद की संपूर्ण टीम को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबको भी नए आशियाने की, नए घर की बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।